लिए मैं एक चीज कहूंगी, आप मैसूर आके किसी से भी सवाल कीजिएगा, छोड़ दीजिए मुझे, आप किसी से भी जाके क्या है सच्चाई वहां से पता चलेगी राखी के साथ क्या हुआ है। वो ईरानी लड़की को भी इतना मारा, मेरे पास ऑडियो सब कुछ है, मैंने भेजा तो मुझे आज पता चला। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत क्या कर रही हैं। तो मैं ये बात शेयर करूँ तो आप बुरा मत मानिएगा सर, ले लो, शर्लिन चोपड़ा ने खुला समर्थन दिया है राखी सावंत को और उनकी हर बातों का समर्थन दिया है, और राखी सावंत ने भी शर्लिन को पूरा समर्थन दिया है। तो अब ये दोस्त हैं, अब इनके बीच में जो नाइतफाकी थी वो दूर हो चुकी है। yes. तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ पकड़े और मीडिया के सामने ऊपर करें, ताकि साथ है जैसे नेता लोग करते हैं, नेता नहीं बॉलीवुड वाले हैं, तो ये दोनों अब साथ में हैं, ये अच्छी खबर है। मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसी चीजें लेते थे जो पुलिस को पता है, पुलिस के रिकॉर्ड में है, और मुझे नहीं पता कि मीडिया के सामने मुझे वो बोलना चाहिए कि और भी सारी चीजें लेते थे कि नहीं। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, और वही हमने आज सेशन कोर्ट को, माननीय सेशन कोर्ट के सामने प्रे किया कि आदिल की पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है ताकि उसके मेडिकल। एक बात मैं आज बताना चाहूंगी, आदिल खुद सिगरेट पीते थे और मुझे खुद हाथ में देते कि पियो, मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें, मैंने नहीं तुम लो, मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो मैं रोते हुए मैं आप लोगों को भी भेजूंगी रोते रोते, वो मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बैल्कनी में खड़े होके, बैल्कनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बैल्कनी में खड़ी हुई, मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई, मुझे हमेशा मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि मुझे कुछ करेंगे करके।